त्रिदिवसीय डाक फिलाटली प्रदर्शनी जो दिनांक 3/9/2021 से 5/9/2021 तक आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि माननीय कुलपति ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी श्री एसपी सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। दरभंगा हवाई अड्डा पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया तथा इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि श्री M.E. हक सेवानिवृत्त मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल बिहार सर्कल पटना, श्री मनीष कुमार निदेशक दरभंगा एयरपोर्ट, श्री शंकर प्रसाद निदेशक डाक सेवाएं उत्तरी प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर, डाक अधीक्षक श्री उमेश चंद्र प्रसाद मुख्य अतिथि के साथ सम्मिलित हुए। डाक अधीक्षक दरभंगा प्रमंडल श्री उमेश चंद्र प्रसाद ने मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि को स्वागत करते हुए कहा कि दरभंगा हवाई अड्डा पर विशेष आवरण का विमोचन करके डाक विभाग ने दरभंगा हवाई अड्डा का नाम देश के कोने कोने में फैलाया है, जिससे दूर दूर के यात्रियों को इसकी जानकारी बढ़ेगी तथा वे सुविधा से लाभ ले सकेंगे। साथ ही त्रिदिवसीय डाक फिलाटली प्रदर्शनी के द्वारा दरभंगा जिले के छात्रों को आम नागरिक के ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक जानकारी बढ़ेगी तथा लोगों के ज्ञान में वृद्धि होगी। इस अवसर पर श्री शंकर प्रसाद निदेशक डाक सेवाएं उत्तरी प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर ने कहा कि डाक प्रमंडल दरभंगा विभिन्न क्षेत्रों में जनता की सेवा कर रहा है तथा दरभंगा हवाई अड्डा पर विशेष आवरण का विमोचन एक विशेष उपलब्धि है। श्री मनीष कुमार निदेशक दरभंगा हवाई अड्डे ने इस कार्यक्रम पर हार्दिक प्रणन्नता व्यक्त की तथा उन्होंने कहा कि दरभंगा हवाई अड्डा का नाम इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया है, इसके लिए डाक विभाग का आभार व्यक्त किया। श्री M.E. हक सेवानिवृत्त मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल बिहार सर्कल पटना ने श्री उमेश चंद्र प्रसाद डाक अधीक्षक दरभंगा के कार्यों की विशेष सराहना की तथा यह उद्गार व्यक्त किया कि श्री प्रसाद एक कमर्थ, ऊर्जावान, अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने वाले अधिकारी तथा सकारात्मक सोच के पदाधिकारी हैं, जिसका स्थानांतरण दरभंगा अधीक्षक के पद पर उन्हीं के करकमलों द्वारा किया गया था। श्री श्याम सुंदर सुरेखा फिलाटलिस्ट ने डाक टिकट के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। भारत सरकार के द्वारा जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है दरभंगा में, जो 3 तारीख से 5 तारीख तक चलेगा। इसमें डाक टिकट का प्रदर्शनी लगाया गया है जी, और इसको वर्चुअल माध्यम से भी दर्शाया जाएगा जी, और व्यक्तिगत रूप से भी लोग आके यहाँ देख सकते हैं। इसका कार्यक्रम जो दरभंगा के डाक विभाग ने किया वो अद्भुत कार्यक्रम था, बहुत सुंदर कार्यक्रम था, क्योंकि ये जो दायित्व, सोशल लाइबिलिटी है या सोशल दायित्व है, सामाजिक ताना बाना है, उसको बनाने का कार्यक्रम आज ही किया गया। डाक टिकट सामान्य टिकट नहीं होते हैं, वो एक सांस्कृतिक विरासत होते हैं, कल्चरल हिस्ट्री होते हैं, वो ऐतिहासिक धरोहर होते हैं, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई, जिससे लोग ज्ञान ले सकें कि जो उनकी कल्चरल धरोहर है वो कैसी है, उनको देख करके आनंद उठा सकें उसके बारे में। और जो दरभंगा का एयरपोर्ट है उसके ऊपर जो एक कवर जारी किया गया वो डिजिटल फॉर्म में जारी किया गया, वो इसलिए कि इतने थोड़े समय में दरभंगा के एयरपोर्ट ने जो ऊंचाई हासिल की है, दरभंगा के लोगों को जो सेवाएं दी हैं वो अद्भुत हैं। इस डिस्ट्रिक्ट लेवल फ्लैटली एग्जीबिशन के संबंध में था, दरभंगा पोस्टल डिवीज़न डायरेक्टरेट के तहत दिया गया थी इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट लेवल फ्लैटली एग्जीबिशन का आयोजन किया है, इसी संबंध में ये कार्यक्रम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल फ्लैटली एग्जीबिशन पूरे भारतवर्ष में डाक विभाग द्वारा किया जाता है, जो लोकल क्षेत्र हैं वहाँ के विशेष चीज़ों पे, वहाँ के कल्चरल एक्टिविटीज, वहाँ के आर्ट एक्टिविटीज, उस पे हम स्पेशल कवर रिलीज किया जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक मूल मंत्र था वोकल फॉर लोकल जी, है ना, ये उनके मूल मंत्र को भी ये प्रोग्राम से जोड़ा जा सकता है। लोकल चीज़ें हैं, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है यहाँ की, मिथिला पेंटिंग है, आर्ट है, यहाँ दरभंगा एयरपोर्ट नया खुला है। डाक विभाग का जिन्होंने की उड़ान योजना को, जो ऑलरेडी भारत सरकार के द्वारा चल रही है, दरभंगा एयरपोर्ट को एक बार पुनः अपना डाक टिकट और एक विशेष अवरोहण के द्वारा पुनः स्थापित कर दिया विश्व मानचित्र पर, हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं डाक विभाग का और उपस्थित सभी सदस्यों और अधिकारीगण का। जी धन्यवाद। ये सभी हम लोगों ने 4 लाख का आंकड़ा पार कर गए हैं हम लोग,
8 नवंबर से यह स्टार्ट हुआ है दरभंगा एयरपोर्ट, तो 4 लाख का आंकड़ा हम लोग अभी तक क्रॉस कर चुके हैं कल के डेट पर। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मिथिलांचल वासियों का जितना स्नेह और प्यार मिल रहा है, हम लोग निरंतर प्रगति के आगे अग्रसर होंगे, इसमें कोई संदेह। क्या लगता है इंटरनेशनल फ्लाइटें भी यहाँ से? हाँ हाँ बिल्कुल, आने वाले समय में आएंगी। अभी जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम लोग उस पर गंभीरता से विचार करेंगे और अपने मुख्यालय को भी भेजेंगे इस लिए। और यहाँ से जो जितने भी मिथिलांचल के लोग हैं, और डाक विभाग ने इस प्रदर्शनी के द्वारा पुनः दरभंगा एयरपोर्ट को विश्व मानचित्र पर स्थापित कर दिया, हम उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सभी मीडिया कर्मियों का और डाक विभाग। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की बात हो रही है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? अंतर्राष्ट्रीय के लिए अभी प्रयास चल रही है राज्य सरकार और भारत सरकार से भी, और जैसे ही कुछ आगे कार्य बढ़ेगा हम लोग प्रयासरत हैं कि जितना जल्दी हो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलवा दें। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।